क्या हुआ जब झारखंड के एक छोटे से गांव में तालाब से अचानक प्रकट हुई देवी माँ दुर्गा, और फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड के इस गांव में उस सुबह जो हुआ उसने गांव के सभी लोगों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। दरअसल यहाँ माता दुर्गा भक्तों को दर्शन देने के लिए तालाब से हुई अवतरित। दोस्तों, असली मामला आपको जानकर आपके मुंह से अपने आप ही जय माता दी निकलना शुरू हो जाएगा। झारखंड के गांव प्रतापपुर में रहने वाले कपिल जी को जब माँ दुर्गा ने दिए अपने आशीर्वाद, और इसके पीछे की जो असली वजह है वो बहुत ही हैरान करने वाली है। दरअसल कपिल माता का बहुत बड़ा भक्त है, और माता के हर जगराते में वही माता के गाने संगीत इत्यादि की व्यवस्था करता है और खुद भी उसमें शामिल हो जाता है। वैसे तो कपिल का पूरा जीवन यापन अपने एक छोटे से खेत पर ही निर्भर है, परंतु उसका एक सपना था कि वो माँ वैष्णो देवी के दरबार में एक बार जरूर माथा टेक कराए, जिसके लिए 3 साल में वो अपनी आमदनी से कुछ पैसा जोड़कर रख रहा था, और 1 साल तो उसके पास माता के दरबार में जाने लायक पैसे इकट्ठा होने लगे। परंतु तभी उसके साथ एक विचित्र सी घटना घटी। दरअसल एक बार बारिश की एक बूंद भी धरती पर नहीं बरसती, जिस कारण कपिल की फसल की पैदावार इस बार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। जो पैसे उसने इकट्ठा किए थे उसमें से कुछ पैसे उसने अपने लिए खर्चे के लिए निकाल लिए, और वह अंदर ही अंदर बहुत रोया। और एक दिन तो उसने अपने घर के मंदिर में ही माता की मूर्ति के सामने अपना दुखड़ा शुरू कर दिया। कपिल रोते हुए बोलने लगा कि क्या मैं सच में आपके दरबार के काबिल नहीं? क्या आप नहीं चाहती कि मैं आपके दरबार में आऊँ? और बोला, ठीक है माता, अब मेरी भी हट है। मैं जब तक यहाँ आपको नहीं देख लेता तब तक मैं अन्न त्यागता हूँ। और उसने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन बीत गया, दूसरा दिन भी बीत गया। लगापुर 1 हफ्ते तक वह भूखा प्यासा रहा, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत खराब होने लगी। एक दिन रात के समय में उसके सपने में एक बहुत ही सुंदर देवी शेर में सवार होकर उसके पास आई और प्यार से बोली, तुम्हें मेरे दर्शन करने थे, लो कर लो, कल सुबह तुम अपने घर के बगल में जो तालाब है वहां जाना, वहीं मैं तुम्हें दर्शन दूंगी। अगली सुबह वह उठकर जब अपने घर के पीछे वाले तालाब में गया तो हैरान रह गया। कुछ बुलबुले उठते हुए दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद उसने जब देखा तो वहां माता की प्रतिमा निकल आई। वो बहुत हैरान हुआ और खुशी के मारे जोर जोर से जय माता दी के नारे लगाने लगा। उसे देख गाँव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए, और माता के इस चमत्कार को देखकर सब लोग हैरान थे। माता के दर्शन पाकर कपिल ने अपने हट को छोड़ा और अन्न ग्रहण किया, और माता के इस प्रतिमा को वहीं गांव में एक भव्य मंदिर बनाकर रख दिया। तो दोस्तों, देखा आपने, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान को भी अपने भक्त के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। इसका जीता जागता उदाहरण कपिल जी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।